हेलो बेटा, आ जाओ, हो जाओ तैयार पढ़ने के लिए एक नया टॉपिक व्यूअर्स डाउट के अगले सेशन में आपका स्वागत है। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये एक मेरे से स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, लेकिन क्योंकि सभी बच्चों के काम का है तो मैं इसको आप सबके लिए बना करके भेज रहा हूं। ध्यान से सुनिए बेटा, टॉपिक है बोहर मैग्नेटॉन। बेटा तीन टॉपिक पूछे हैं, तीनों को मैं तीन अलग अलग छोटी छोटी वीडियो में डालूंगा। पहला है बोहर मैग्नेटॉन। अब आप बहुत गौर से सुनिए, यदि आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो कुछ बातों को जानना बहुत ही जरूरी है बोहर मैग्नेटॉन के लिए। ध्यान से सुनो बेटा, पॉइंट नंबर वन, जिस स्टेप पर दिक्कत आए तुरंत रोक देना, रिवाइंड करना और दोबारा देखना। यदि कभी भी कोई चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे तो कितनी करंट पैदा होती है, मान लो v वेलोसिटी से r रेडियस में घूमे तो कितनी करंट पैदा होती है। तो पहले एक बात बताओ, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? तो जवाब है टाइम पीरियड होता है 2 पाई r / v। कैसे आया बेटा? एक राउंड लगाने में डिस्टेंस कितनी चला? 2 पाई r। तो एक राउंड लगाने में डिस्टेंस चला है 2 पाई r, स्पीड है v, तो टाइम हो गया 2 पाई r / v। भाई डिस्टेंस इज 2 पाई r, स्पीड इज v, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई r / v। करंट क्या होगी? करंट होती है बेटा Q upon T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो मेरे बेटा टाइम तो अभी अभी आपने बेटा 2 पाई R upon V निकाला है, तो V ऊपर चला गया डिनोमिनेटर से। तो ये है करंट का फॉर्मूला, जब भी कोई चार्ज रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में तो ये करंट बनेगी। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट है कि कोई भी बेटा करंट कैरिंग लूप हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप होता है एन आई ए। और यदि बेटा एक ही टर्न हो, एक ही ऑर्बिट हो, तो नंबर ऑफ टर्न्स वन हो जाते हैं और तब मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है आई ए। तो बेटा दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर या किसी भी शेप का लूप जिसमें करंट हो उसके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है एन आई ए, जहां n है नंबर ऑफ टर्न्स, i है करंट, a है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट जो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे वो है एंगुलर मोमेंटम। मेरे बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। रोटेशन के समय एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आई ओमेगा। अब यदि कोई पॉइंट मास घूम रहा है तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर, i यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर, और ओमेगा है v / r। तो मेरे बेटा ये फार्मूला बन जाता है mvr। तो एंगुलर मोमेंटम याद रखिए, ये फार्मूला सिर्फ पॉइंट मास के लिए है। यदि पॉइंट मास की बजाय स्फीयर, रिंग, डिस्क या कोई और चीज होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mr स्क्वायर की बजाय फिर कुछ और फार्मूला रखा जाता। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एंगुलर मोमेंटम mvr। चौथा पॉइंट, अभी मैं वो बातें बता रहा हूं बेटा जिसके बगैर आपका टॉपिक नहीं हो पाएगा। चौथा पॉइंट बेटा वो है बोहर पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है h / 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि nh / 2 पाई। ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n को रख दो 1, सेकंड ऑर्बिट में है तो n को रख दो 2, और जिस तरह से ऑर्बिट बदलता जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम बदलता जाएगा। अब हम तलाश क्या कर रहे हैं? हम तलाश कर रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट की। हम दुनिया की सबसे छोटी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाह रहे हैं। बताए मैग्नेटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही तरह से है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे छोटा ट्रांसफरेबल चार्ज है, मैग्नेटॉन दुनिया की सबसे छोटी पॉसिबल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है। मैं और आप सब जानते हैं बेटा, जो दुनिया की सबसे छोटी मैग्नेट बनाएंगे वो कम से कम एक एटम की तो होगी, तो हम इसे एटॉमिक मैग्नेट या एटॉमिक डाइपोल भी कहते हैं। एटॉमिक डाइपोल का मतलब एक एटम से बना हुआ डाइपोल। डाइपोल क्यों? क्योंकि बेटा मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, तो दो पोल होते हैं तो डाइपोल। चलिए तो अब बगैर टाइम वेस्ट करें हम स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट को सर्च करते हैं, एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को निकालते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में रखिएगा।
टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये बेटा कोई एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, इसके रिवॉल्व करने से करंट पैदा हो रही है। कितनी करंट बनेगी? तो करंट होगी क्यू अपॉन टी। क्यू तो है बेटा ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और टाइम पीरियड है बेटा 2 पाई आर अपॉन वी। तभी तो पहले मैंने बता दिया था, तुम बताओ बेटा टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर अपॉन वी, करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम, जिसमें से चार्ज है ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो घूम रहा है, और टाइम पीरियड है 2 पाई आर अपॉन वी जो ऊपर चला गया। तो ये हमारा करंट का फॉर्मूला आ गया। अब आता है बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेटा आई ए, क्योंकि एक ही लूप में घूम रहा है, कोई बहुत सारी टर्न्स नहीं है, तो इसलिए एन को वन ले लिया और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आई ए। तो मैं बेटा आई की वैल्यू रख दूंगा मैं यहां से ईवी अपॉन 2 पाई आर, एरिया ऑफ दिस लूप इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, और मेरे पास आ जाएगा बेटा ईवी आर अपॉन 2। क्या आ गया बेटा? ईवी आर अपॉन 2। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ईवी आर अपॉन 2। अब मैं थोड़ा सा इसे चेंज करता हूं, क्या मैं इसको ई अपॉन 2 इंटू वी आर लिख सकता हूं बेटा? हाँ है ना, हाँ सुन लिया मैंने, ईवी आर अपॉन 2। अब मैं इसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड। उससे फायदा क्या मिला? एमवीआर तो एंगुलर मोमेंटम होता है, एमवीआर इज एंगुलर मोमेंटम, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बन जाता है ई अपॉन 2m इनटू l, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपके पास आ गया, हम लोग बहुत नजदीक जा चुके हैं मैग्नेटॉन निकालने के, ये आ गया। अब यहां से दो केस बनते हैं। पहला केस ये है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो nh अपॉन 2 पाई है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा e अपॉन 2m इनटू nh अपॉन 2 पाई, e अपॉन 2m इनटू nh अपॉन 2 पाई, जहां m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच बाकी सब जानते हो, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो क्या आ गया मेरे बेटा मैग्नेटिक मोमेंट एन एच ई, क्या आ गया मैग्नेटिक मोमेंट एन एच ई अपॉन 4 पाई एम। अब आखिरी बात बोल करके इस टॉपिक को खत्म करूंगा। मुझे बताओ बेटा आप किसकी तलाश कर रहे हो, सबसे बड़े मैग्नेटिक मोमेंट की या सबसे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट की? तो जवाब है सबसे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट की। तो सबसे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 रखना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में घुमाना है। यदि n की वैल्यू 1 से ज्यादा 2 या 3 होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा। तो बेटा मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए n को ले लो 1, तब ये आ जाएगा एच ई अपॉन 4 पाई एम। ये निकल आया स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट इन द यूनिवर्स, यही कहलाता है मैग्नेटॉन, और इसका सिंबल है म्यू। कई बच्चे कहते हैं सर आपने तो अभी बताया था मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल एम होता है। बेटा जिस तरह से एक बात बताओ, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, लेकिन स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंबल है ई। साधारण किसी भी बॉडी का चार्ज निकालो तो सिंबल क्या लेते हो बेटा? क्यू। और स्मॉलेस्ट चार्ज निकालो तो सिंबल क्या लेते हो? स्मॉलेस्ट चार्ज ट्रांसफरेबल चार्ज तो ई। तो उसी तरह से दुनिया में किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालो तो बेटा सिंबल होता है कैपिटल एम, और जब स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट निकालो तो सिंबल होता है म्यू। तो ये है बोहर मैग्नेटॉन। इसके अलावा दूसरे नंबर पर एक बात मैं बता के छोड़ देता हूं मेरे बेटा, एम इज इक्वल टू ई अपॉन 2m इनटू l। ये जो फॉर्मूला आया था ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए था, मान लो इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई भी चार्ज घूम रहा है तो चार्ज q हो जाएगा। मैं दोबारा से डेरिवेशन नहीं कर रहा, बस e की जगह q रख दिया। तो m अपॉन l किसके इक्वल होगा? तो जवाब है q अपॉन 2m, जहां कैपिटल m क्या है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट, l क्या है? एंगुलर मोमेंटम, q इज चार्ज ऑफ पार्टिकल, m मास ऑफ पार्टिकल जो घूम रहा है, 2 तो कहेंगे। तो यानी कि आपने कुछ देखा, m अपॉन l इज q अपॉन 2m, इसका मतलब चार्ज स्मॉल रेडियस में घूमे या चार्ज लार्ज रेडियस में घूमे, चार्ज कम वेलोसिटी से घूमे या ज्यादा वेलोसिटी से घूमे, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट है बेटा। चार्ज और मास बदल नहीं सकते,
क्यू और एम बदल नहीं सकते, रेडियस कुछ भी हो, वेलोसिटी कुछ भी हो, एम अपॉन एल की वैल्यू हर बार एक ही आएगी, चाहे कैसे भी घुमाओ बेटा, एक चार्ज को ऐसे घुमाओ या बेटा डोरी से बांध करके कोनिकल पेंडुलम के रूप में घुमाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज किस रेडियस में, किस वेलोसिटी से, किस तरीके से घूम रहा है। यदि चार्ज रोटेट कर रहा है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो एक कॉन्स्टेंट है। इसी तरह से कभी कभी स्पेसिफिक चार्ज पूछ लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट देकर के। तो मेरे बेटा आपने अभी प्रूफ किया पॉइंट नंबर 3 और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है क्यू अपॉन 2m, तो क्यू अपॉन एम हो जाएगा बेटा 2M/L, क्यू अपॉन एम आ गया। लेकिन चार्ज परिमिट मास को तो कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज, तो किसी का भी स्पेसिफिक चार्ज होता है 2M/L, वेयर कैपिटल एम इज मैग्नेटिक मोमेंट और एल इज एंगुलर मोमेंटम। तो मेरे ख्याल में उम्मीद करता हूं ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। यदि आपके पास भी कोई डाउट है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डाउट सेंड कर दीजिए, मैं आपको वीडियो बना करके एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल के लिए बाय बाय।